ये 14 मार्च को एक रिटायर्ड स्कूल टीचर आशा भटनगर के साथ एक गंभीर साइबर फ्रॉड हो गया था। उसमें उनके अकाउंट से 51 लाख रुपया ठगी किया था। उनको ये साइबर माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाया कि आप अरेस्ट हो चुका है, आप किसी से संपर्क ना करें, ऐसे बोल के डराया धमकाया और उसके अकाउंट से पैसा एक्सट्रॉट किया गया। तो उस गंभीर मामला को संज्ञान में लेके क्राइम ब्रांच के ग्वालियर पुलिस का साइबर सेल इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी 8 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। हम मार्च 14 को घटना हो गया, उसमें फिर लगातार कार्रवाई करके पहले अरेस्ट April 1 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलाई से कुणाल को हमने गिरफ्तार किया, वो USDT बोल के क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना बता रहे हैं। वही हम इस केस में पहले अरेस्ट उनका हुआ था। उसके बाद हम श्रीनगर गया था, श्रीनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद राजकोट गुजरात से हम 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, फिर 4 लोगों को हम राजस्थान में जयपुर में रेड मार के गिरफ्तार किया। तो ये सारे गिरफ्तारी हम जो साइबर साक्ष्य जब भी अवेलेबल होते हैं और जो पैसे के ट्रेल फॉलो करके ऐसे किया है। अभी जो लास्ट जयपुर से हम 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से एक सुनील बिश्नोई को PR पे लेके पूछताछ किया। उनके द्वारा सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से एक व्यक्ति के ठिकाने पे हम पहुंच गया। वहाँ से इनके कस्टडी से 15,66,000 रुपये हमने विधिवत जब्त किया। उसमें सीकर पुलिस का भी कोऑपरेशन वहाँ पे ASP शहीन द्वारा दिया गया है। इसमें ये कहानी है कि ये 14 तारीख को ये पैसा इन्होंने जयपुर से अकाउंट से विड्रॉ किया। वे पैसे कांजीबाई बोल के ये सीकर का हवाला व्यापारी के पास पहुंच गया। 16 तारीख को आपको पता है कि MCC लग गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पैसे के आगे का मूवमेंट कुछ कारण से नहीं हो पाया इनका। तो वो पैसा और इनके जो ऑफिस में रेड करके कुछ नोट्स, 2 रुपए का 5 रुपए का नोट्स भी जब्त किया है। वो ये हवाला बिजनेस में टोकन के रूप में ये यूज करते हैं और एक नोट काउंटिंग मशीन भी हमने जब्त किया है। तो पकड़ो गए आरोपी को हमने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया कल और 2 दिन का PR उनको मिल चुका है, उसका पूछताछ अभी चल रहा है। और साइबर सेल के TI पपोला, मंगल पपोला, सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा, हरेंद्र राजपूत, कीर्ति अजमेरिया, रवि लोधी और उनके सभी टीम पूरे समय मेहनत किया है और सारे रेड में ये लोग पार्टिसिपेट किया है, टर्न वाइज पार्टिसिपेट भी किया है। इन सबको बधाई दे रहा हूँ और सही तरीके से इनको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिवार्ड भी की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।